24 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर उत्तर कोरिया जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिलकर यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी डील कर सकते हैं। इसी बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो आत्मरक्षा प्रदर्शनी का है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से इसे अभी जारी करना बहुत कुछ संदेश देता है। इंटरनेट पर जांच करने पर पता चलता है कि ये वीडियो वर्ष 2021 में बनाया गया था, लेकिन हाल के दिनों में जारी कर उत्तर कोरिया जताना चाहता है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का है, जब पुतिन सन 2000 में पहली बार उत्तर कोरिया गए थे। पुतिन राष्ट्रपति बनने के 4 महीने बाद ही उत्तर कोरिया गए थे। उस समय तानाशाह किम के पिता जोंग इल उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता हुआ करते थे और इल ने ही पुतिन का स्वागत किया था। उस दौरान पुतिन के स्वागत में उत्तर कोरिया की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम देखने को मिला था। बता दें कि टेक्नोलॉजी के इतना बढ़ने के बावजूद नॉर्थ कोरिया को बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया का तानाशाह बाहरी दुनिया के लोगों को जो दिखाना चाहता है वो दिखाता है, और अभी ये देश लोगों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। वहीं कुछ वीडियो या खबर उत्तर कोरिया से जाती है तो किम जोंग और उनके वफादारों की पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह खबर को दबा दिया जाए। इसी बीच उत्तर कोरिया के द्वारा दोनों वीडियो जारी करने की कहानी क्या है, इसका पता तो आगे कुछ दिनों में चल ही जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जिस तरह से नाटो देश रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सबक लेकर ही पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से दोस्ती को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। बता दें कि पुतिन के इस दौरे को मैत्रीपूर्ण राजकीय यात्रा बताया गया है। इस दौरान अपने पिता की तरह ही किम जोंग उन व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि किम यूक्रेन से जंग में पुतिन का साथ दे सकते हैं और जरूरी हथियार के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी सहायता दे सकते हैं। ये भी बता दें कि पिछले वर्ष ही किम जोंग उन ने भी रूस का दौरा किया था और पुतिन के साथ बैठक की थी। उस समय दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन की लड़ाई में उत्तर कोरिया पर रूस का साथ देने का आरोप लगाया था। वहीं फिर एक बार दोनों देशों के नेताओं के मिलने की खबर ने नाटो सहित कई देशों में हड़कंप मचा दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया से लौटने के बाद क्या कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।